फ्रेंड्स, आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो एंड यूजफुल वीडियो। वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंट मैटर्स, सम इम्पोर्टेंट मैटर्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो आप अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज हम कौन कौन से टॉपिक्स पर बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन मार्क्स अपडेट करने की लास्ट डेट क्या है और ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर या ईयर का फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं हुआ, मैं मार्क्स कैसे अपडेट करूं? फाइनल सेमेस्टर एग्जाम ऑफ माय ग्रेजुएशन हैज नॉट बीन कंडक्टेड येट, हाउ डू आई अपडेट माय मार्क्स? ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अब लगा सकती हूं क्या? कैन आई अपलोड माय ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नाउ? एंड आखिर एग्जाम होगी या नहीं, होगी तो कब होगी? Will the exam take place? If yes, then when? आगे बात करेंगे, मैं असमंजस में हूं, पढ़ाई करूं या न करूं? I am confused. Should I study or not? क्या एग्जाम सेंटर चेंज हो सकता है? Can I change my exam center? आज मैंने RI भोपाल और RI अजमेर अथॉरिटी से बात की है, तो मेरी क्या बात हुई? RI अजमेर एंड RI भोपाल अथॉरिटी व्यू अबाउट एग्जाम CEE, माई ऑन व्यू अबाउट दिस एग्जाम। तो फ्रेंड्स, इनके बारे में बात करेंगे और भी बहुत सी बात करेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली बात शुरू करते हैं कि क्वालिफिकेशन मार्क्स अपडेट करने की लास्ट डेट कब है। तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, आज ही कुछ चेंज हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे कि 10 सितंबर तक, 10th September है वो क्वालिफिकेशन मार्क्स अपडेट करने की लास्ट डेट है। बट किनके? क्योंकि ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर या ईयर का तो अभी एग्जाम हुए ही नहीं है, वो मार्क्स कैसे अपडेट करेंगे? अब समझ रहे हैं ना, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम ऑफ ग्रेजुएशन हैज नॉट बीन कंडक्टेड येट, तो वो कैसे अपडेट करेंगे? तो चलिए अब ये वेबसाइट के माध्यम से ही समझते हैं, वहीं चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है, cee.ncert.gov.in। आप भी खोल के देख सकते हैं, कैंडिडेट लॉगिन है ये अपडेट करने के लिए। लेकिन आप आगे चलिए, इसमें क्या लेटेस्ट न्यूज क्या दे रखी है? कैंडिडेट कैन नाउ लॉग इन एंड अपडेट द ऑप्टेंड एंड मैक्सिमम मार्क्स, कि जो अभ्यर्थी हैं वो अभी लॉग इन करके अपने जो प्राप्तांक हैं और अधिकतम अंक हैं वो अपडेट कर सकते हैं। प्राप्तांक वो हैं जो आपने प्राप्त किए हैं, अधिकतम वो हैं जितने में से आपने प्राप्त किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नई सूचना क्या है कि कैंडिडेट हु वांट टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS मे लॉग इन नाउ, क्लिक ऑन अपडेट EWS स्टेटस मेनू एंड चूज यस एंड अपडेट बिफोर 10 सितंबर 2020। तो वो कैंडिडेट जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिन्होंने बनवा लिया है या जो जिस सेक्शन में आते हैं, वो लॉगिन करें, अब लॉगिन कर लें क्योंकि वो सेक्शन खुल गया होगा, और क्लिक ऑन अपडेट ईडब्ल्यूएस स्टेटस मेनू। तो आपको क्या करना है, फिर उस मेनू पे ऑन अपडेट EWS मेनू के ऊपर, स्टेटस के ऊपर आपको वो चूज करना है और फिर यस का बटन दबाना है, चूज यस, ठीक है ना, यस के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड अपडेट बिफोर 10th September। आपको 10 सितंबर से पहले आपको ये काम करना है। और आपको बता देता हूँ, ये सर्टिफिकेट आपको नहीं लगाना है, आपको सिर्फ यस चूज करना है बस, ठीक है ना। ये सर्टिफिकेट आपका बाद में चेक हो जाएगा, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट का हो गया है, आपको ये ऑप्टेंड मार्क है उसका हो गया है। अब अगला क्वेश्चन तो आपका कि लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क इन 10th September 2020। अब देखिए, ये हो गए 10th सितंबर तक आपको अपने एग्जाम के क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं आपको अपलोड करने हैं, लेकिन किसको? देखिए साफ साफ लिखा है, एक मिनट, साफ साफ लिखा है फॉर द कोर्सेज BA BEd BSc BEd एंड MSc BEd, जो फोर ईयर, ये BA BEd फोर ईयर कोर्स है एंड BSc BEd ये भी फोर ईयर कोर्स है, वो MSc BEd है ये आपका 6 ईयर कोर्स है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनमें अप्लाई कर रहे हैं, आपने 12th के मार्क्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं,
जो प्लस टू के मार्क्स हैं वो अपलोड करने हैं, यानी ये बी ए बी एड बी एस सी बी एड वालों के लिए है, जो ग्रेजुएशन वालों के लिए है वो बाद में नोटिफिकेशन अलग से आएगा। साफ साफ बात है कि आपने अगर ग्रेजुएशन नहीं की है, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, आपके एग्जाम नहीं हुए हैं, तो आपने मान लो इसी साल अगर ग्रेजुएशन का एग्जाम फाइनल ईयर का एग्जाम दिया, फाइनल सेमेस्टर दिया है, तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी अबाउट दिस, आपको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम जब आएगा, एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये आप अपडेट कर सकते हैं। और जिन्होंने पहले ही ग्रेजुएशन कर लिया है उन्होंने तो अपने मार्क्स भरी दिए होंगे, जो 19 में या 18 में कर लिया है, और जो प्लस टू वाले हैं उनको तो अपडेट करने ही है क्योंकि सारे रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, समझ गए ना आप? तो आप ग्रेजुएशन वाले बार बार मत डालना कि सर हम कैसे करें, हमारा तो एग्जाम नहीं हुआ है, हमारा रिजल्ट नहीं आया है। तो आपका आंसर आपको मिल गया है कि ये लास्ट डेट है किसके लिए है, 10th September फॉर द कोर्सेज बी ए बी एड बी एस सी बी एड एंड एम एस सी बी एड, यानी ये टू ईयर डिग्री वालों के लिए नहीं है। समझ गए आप? जिनको सिर्फ बी एड करना है उनके लिए ये नहीं है, ग्रेजुएशन के बाद जो बी एड करना है उनके लिए नहीं। ओके, आगे चलते हैं। अब मैं दो क्वेश्चंस को एक साथ मिलाता हूं, आखिर एग्जाम कब होगी या होगी या नहीं होगी, और मैं तैयारी करूं या नहीं करूं। तो फ्रेंड्स, आज मेरी यहाँ RI भोपाल में और RI अजमेर में दोनों में बात हुई है। मेरे जो सब्सक्राइबर थे विशाल राठौड़ एक और हैं, उन्होंने मेरे को कहा था सर हमारी बात हुई है RI भोपाल में, उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, आप बात कीजिए, फ़ोन नंबर भी दिए थे मेरे को यूट्यूब चैनल पे, मेरे जो कमेंट सेक्शन में उसमें उन्होंने फ़ोन नंबर दिए थे, आप भी आप बात कर सकते हैं। ऐसे ही अजमेर के भी विशाल राठौड़ ने नंबर दिए थे, सर मैंने बात की है, वो मना कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों ये बात सही है, मैंने आज खुद ने अजमेर बात की है और उन्होंने अजमेर वालों ने कहा कि इस साल एग्ज़ाम नहीं होगी। तो नहीं होगी तो मैंने कहा कैसे करेंगे आप एडमिशन, तो बोले कि ये है ना जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं इनके आधार पर ही हम करेंगे। तो मुझे ये बात हजम नहीं हुई क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बता नहीं रहे हैं। फिर मैंने भोपाल पे बात की तो भोपाल वाले सर बोले कि अभी कुछ कह नहीं सकते, होगी या नहीं होगी, एग्ज़ाम हो भी सकती है। तो दोस्तों किसी एक व्यक्ति पे आधारित होकर अपन नहीं रह सकते, हम ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विश्वास करेंगे, ये मेरा अपना व्यू है, खुद का व्यू है कि आप तैयार रहें, अपने हथियार अपने पास रखें। आपको लड़ाई में जाना तो हथियार हमेशा पास में, आपका हथियार क्या है, आप स्टडी करते रहें। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाए वेबसाइट पर डेली विजिट करते रहें, इस पे आ जाए कि आपके एग्जाम नहीं होंगे, आपके जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं इनके आधार पर लिया जाएगा, तब तक आप किसी की भी बात नहीं माने, मेरा आपसे यही निवेदन है। हाँ, एक और क्वेश्चन आया था कि सर मैं एग्जाम सेंटर चेंज हो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, एग्जाम सेंटर चेंज हो सकता है क्या, कैन आई चेंज माय एग्जाम सेंटर। तो फ्रेंड आप ऐसा करें, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहाँ मेल आईडी दी गई है उस पर मेल करें, है ना, तो एग्जाम जल्दी हो भी सकता है और आपके जो सवाल हैं उनके आपको उत्तर मिल गए होंगे। आप असमंजस में हैं, पढ़ाई करूं या नहीं करूं, आई एम कन्फ्यूज, शुड आई स्टडी और नॉट, तो आप कन्फ्यूजन में मत रहिए, आपको पढ़ाई करनी ही करनी है, क्योंकि पढ़ाई कभी भी खराब नहीं जाती है। आप पढ़ाई करते रहें और आप मेरे चैनल पे बने रहें, मेरे चैनल पे 100 से अधिक, मोर देन 100 वीडियो पड़े हुए हैं, रीजनिंग के भी हैं, इसके आपके रीजनिंग के अलावा इंग्लिश के भी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। तो वीडियो आप शुरू से आप देखना शुरू कीजिए, नंबर एक से देखना शुरू कीजिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आप लगे रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और अंक अपडेट करना, मार्क्स अपडेट करना मत भूलना, क्योंकि अगर इनके द्वारा भी आपका एडमिशन हुआ तो मार्क्स अपडेट नहीं करेंगे तो फिर, तो इसलिए आपको जो 10+2 यानी 12वीं का जिसने एग्जाम दिया है, 12th का एग्जाम दिया है, उनको तो मार्क्स अपडेट करने ही करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। देख लीजिए अभी भी यहाँ आ रहा है कि NCERT कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CE 2020 हैज पोस्टपोन टिल फर्दर नोटिफिकेशन ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक सिचुएशन। तो ये अभी भी ऐसी बात आ रही है, अभी कुछ ऐसी सूचना नहीं आ रही कि एग्जाम कैंसिल हो गया है, इसलिए डरने की या घबराने की कोई बात नहीं है। आपने एग्जाम ये जो मार्क्स अपडेट कर दिए तो ठीक है, नहीं किए तो आज आप ये मार्क्स अपडेट कर ही देना 10 तारीख से पहले। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, नमस्कार।
जय हिंद।